नमस्कार दोस्तों, IFMS 3.0 पे सैलरी एरियर बिल बनने स्टार्ट हो गए हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो के माध्यम से मैं आपको सैलरी एरियर बिल कैसे बनाते हैं जिसके बारे में संपूर्ण जानकारी देने वाला हूं। तो सबसे पहले दोस्तों, हमें DDO ID से IFMS 3.0 के अंदर लॉगिन कर लेना है और आप यहाँ पे देख सकते हो सैलरी एरियर बिल नाम का ऑप्शन शो हो रहा है। इसके ऊपर हमने टिक नहीं करना है, हमें एम्प्लॉई मैनेजमेंट का ऑप्शन यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर टिक करना है। सबसे पहले दोस्तों, हमें पे एंटाइटलमेंट हिस्ट्री है वो ऐड करनी है। तो दोस्तों, एम्प्लॉई मैनेजमेंट के ऑप्शन के ऊपर टिक करने के बाद हमें एम्प्लॉई मॉडिफिकेशन ऑप्शन के ऊपर टिक करना है और यहाँ नीचे हमें पे एंटाइटलमेंट हिस्ट्री यहाँ पे टिक करना है। इसके बाद में जिस कर्मचारी का आप सैलरी एरिया बिल बनाना चाहते हो उनके नाम के आगे यहाँ पे मॉडिफाई का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, उसके ऊपर हमें टिक करना है। टिक करने के बाद दोस्तों, यहाँ पे एड पे एंटाइटलमेंट प्लस का आइकन दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर हमें टिक करना है। तो दोस्तों, यहाँ पे रीजन नाम का ऑप्शन शो हो रहा है, हमें सर्वप्रथम रीजन भरना होगा कि आप सैलरी एरियर बिल क्यों बनाना चाहते हो। तो रीजन में दोस्तों, हमारे कर्मचारी है उनका प्रोबेशन पीरियड पूरा हो चुका है तो उनके फिक्सेशन का सैलरी एरियर है वो बकाया हुआ है। तो यहाँ पे रीजन में मैं अदर सेलेक्ट कर लूँगा और रीजन ऑर्डर डेट जिस तारीख को उनके फिक्सेशन के ऑर्डर जारी हुए हैं वो यहाँ पर मैं तारीख सेलेक्ट कर लूँगा। इसके बारे में दोस्तों, रीजन इफेक्टिव फ्रॉम डेट किस तारीख से आप सैलरी एलिजिबल बनाना चाहते हो, तो यहाँ पे उनका 7 मार्च 2024 से 30 अप्रैल 2024 तक का मैं सैलरी एलिजिबल बनाना चाहता हूँ। तो यहाँ पे मैं तारीख सेलेक्ट कर लूँगा, जैसे कि दोस्तों मैंने यहाँ पे तारीख सेलेक्ट कर ली है। अगर दोस्तों आप मार्च से जुलाई तक का सैलरी एरियर बिल बनाना चाहते हो तो यहाँ पे जो पे एंटाइटलमेंट हिस्ट्री डिटेल है वो दो भागों में यहाँ पे अपने को सिलेक्ट करनी होगी। जैसे पहला मार्च से जून तक की, फिर 1 जुलाई से 31 जुलाई तक की अलग, क्योंकि जून तक बेसिक है वो अलग होती है और जुलाई में इंक्रीमेंट लगने के बाद बेसिक है जो चेंज हो जाती है। तो इस प्रकार से दोस्तों, जहाँ जहाँ आपको बेसिक चेंज लगे तो ये पे एंटाइटलमेंट हिस्ट्री है जो आपको अलग अलग सेलेक्ट करनी होगी। डेट सेलेक्ट करने के बाद में दोस्तों, यहाँ पे हमें व्यू मंथ वाइज डिटेल नाम का ऑप्शन शो हो रहा है, इसके ऊपर हमें टिक करना है। टिक करने के बाद में जो जो मंथ आपने सेलेक्ट किए थे उनकी लिस्ट यहाँ पे शो होगी और सामने जो डे है वो डे इन मंथ यहाँ पे दिन है जो शो होंगे। सेलेक्ट टाइप के अंदर, सैलरी टाइप के अंदर हमें सेलेक्ट करना है डे वाइज और यहाँ पे जो वैल्यू है, वैल्यू जो दोस्तों यहाँ पे लिखी आ रही है जितने भी दिन है यहाँ पे, जैसे 25 है तो यहाँ पे 25 आ जाएंगे, अप्रैल का महीना 30 दिन का है तो यहाँ पे 30 आ जाएंगे। और ये सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों, यहाँ पे साइड में सेव नाम का ऑप्शन शो हो रहा है तो ये यहाँ पे मैं सेव कर दूंगा। सेव करने के बाद में दोस्तों, यहाँ पे अपने को कर्मचारी को जो सर्विस कैटेगरी है, सब सर्विस कैटेगरी है, डेजिग्नेशन है वो हमें सिलेक्ट करना है, पे कमीशन 7 सेलेक्ट करना है, पे स्केल है दोस्तों जो भी उनका कर्मचारी का पे स्केल है वो हमें यहाँ पे स्केल सेलेक्ट करना है। इसके बाद में कार्मिक की जो बेसिक है, जो मार्च महीने जो हमने यहाँ पे मार्च मंथ सेलेक्ट किया है और अप्रैल तक जो भी बेसिक है, तो उस वक्त बेसिक दोस्तों इनकी 33,800 थी तो यहाँ पे मैं 33,800 सेलेक्ट कर लूँगा। और जो डीए है 50% है ये सेलेक्ट कर लेना है, अगर कर्मी के पास में गवर्नमेंट क्वार्टर है तो यहाँ पे यस करना है, अन्यथा यहाँ पे नहीं है तो नो कर देना है। और हाउस रेंट अलाउंस है जो भी 9, 18, 27 जो भी वो सेलेक्ट करके यहाँ पे कैलकुलेट कर देना है। कैलकुलेट करने के बाद दोस्तों, नीचे हमें डॉक्यूमेंट टाइप के अंदर, अदर्स डिस्क्रिप्शन के अंदर जो भी इससे रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट होंगे वो यहाँ पे लिखना है और इसके अंदर ब्राउज के अंदर जाके हमने ये सेलेक्ट करना है। तो दोस्तों, मैं फिक्सेशन से रिलेटेड जो सैलरी एरिया बिल बना रहा हूँ तो यहाँ पे फिक्सेशन ऑर्डर यहाँ सेलेक्ट कर लूँगा। सेलेक्ट करने के बाद में दोस्तों, यहाँ पे एड पे एंटाइटलमेंट डिटेल्स नाम का ऑप्शन शो हो रहा है, आप देख सकते हो, इसके ऊपर हम टिक कर देंगे। टिक करने के बाद दोस्तों, यहाँ पे सबमिट नाम का ऑप्शन यानी राइट साइड में शो हो रहा है सबमिट, यहाँ पे तो दोस्तों यहाँ पे सबमिट नाम का ऑप्शन है, उसके ऊपर हम टिक कर देंगे। टिक करने के बाद दोस्तों, आपको ये टिक करने के बाद दोस्तों, यहाँ पे कार्यालय की तरफ से ये ऑफिस ऑर्डर निकलेंगे और आप यह देख सकते हो यहाँ जो बेसिक पे डीए और एचआरए ये डिटेल्स होगी, आप अच्छी तरह चेक कर लें। चेक करने के बाद में दोस्तों, यहाँ पे ई साइन का ऑप्शन का नाम दिया, इसके ऊपर हमें टिक करना है। टिक करने के बाद में दोस्तों, DDO से OTP लेके इसको सबमिट करना है और यहाँ पे सक्सेसफुल ओके आ जाएगा।
इसके बाद में दोस्तों हमें बैक आ जाना है। बैक आने के बाद दोस्तों हमें सैलरी एरियर नाम का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर हमें टिक करना है। टिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो राइज एंड एरियर रिक्वेस्ट शो होगा, उस ऑप्शन पर हमें टिक करना है। टिक करने के बाद जिस कार्मिक की हमने पे एंटाइटलमेंट हिस्ट्री जो यहाँ पे सेव किया है उन कार्मिक को हमें सेलेक्ट करना है। जिस कार्मिक का हम सैलरी एरियर बिल बनाना चाहते हैं तो वो कार्मिक यहाँ पे शो हो रहा है और उनके नाम के सामने सेलेक्ट ऑप्शन पर हमें टिक कर देना है। टिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे एंटाइटलमेंट हिस्ट्री जो हमने तारीख यहाँ पे सेलेक्ट की थी वो हम यहाँ पे टिक मार कर देंगे और यहाँ पे वो इफेक्टिव फ्रॉम इफेक्टिव टू यहाँ पे डेट शो होगी तो यहाँ पे हमें सबमिट करना है। तो दोस्तों इसके बाद में यहाँ पे हमें मंथ वाइज ड्यू एंड ड्राउन ये शो होगा तो हमें अपनी जो सैलरी एरियर की सीट हमने जो कार्यालय की तरफ से बनाई होगी उससे हमें यहाँ मिलान कर लेना है। और यहाँ पे आप देख सकते हो मार्च के महीने का जो बेसिक है कितनी थी और बकाया कितनी है वो यह सब शो हो रहा है। उसी प्रकार से DA HRA अलग अलग मंथ वाइज तो आप यहाँ देख सकते हो। उसके बाद दोस्तों अगर आपने कोई डिडक्शन ऐड करना चाहते हो तो यहाँ पे डिडक्शन नाम का ऑप्शन शो हो रहा है, ऐड डिडक्शन पर हमें टिक करना है। और यहाँ पे टिक करने के बाद में दोस्तों जैसे कार्मिक की GPF कटौती और SI प्रीमियम ये हमें सेलेक्ट कर लेने हैं। अगर कोई इनकम टैक्स वगैरह अभी है तो आप यहाँ पे अलग देख लें। हमारे पास दो ऑप्शन है SIP और GPF, मैं यहाँ दो ऑप्शन सेलेक्ट करूँगा और इसके बाद सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद दोस्तों पहला ऑप्शन जो मैंने बॉन्ड्स GPF 2004 सेलेक्ट किया है तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे कार्मिक की 5000 कटौती करनी है तो 1100 कटौती ऑलरेडी हो चुकी है तो यहाँ पे 3900 रुपया शो हो रहा है। वैसे अप्रैल महीने का यहाँ पे शो हो रहा है टोटल, यहाँ पे आप देख सकते हो 7800 रुपया। और इसके बाद में SI प्रीमियम का ड्यू में 5000 रुपया ऑलरेडी जीरो है और यहाँ पे देख लो टोटल 10000 रुपया मार्च और अप्रैल महीने का शो हो रहा है तो इसको सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद दोस्तों यहाँ नीचे अपने को जो ऑफिस की तरफ से अपने सैलरी एरिया सीट जो हमने तैयार किया है जहाँ पे DDO के साइन और मोहर लगी हुई है वो हमने यहाँ पे अपलोड करने हैं। और इसके बाद में जो फिक्सेशन के ऑर्डर आए हैं वो मैं यहाँ पे साथ में ऐड कर दूंगा और नीचे यहाँ पे सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद में दोस्तों यहाँ पे अलाउंस और डिडक्शन और एरियर कितना बन रहा है यहाँ पे शो होगा तो हमें एक बार फिर से मिलान कर लेना अच्छी तरह। तो यहाँ पे जो आई का ऑप्शन है यहाँ पे रिपोर्ट हो जाएगी और या दूसरा ऑप्शन जो हमें रोज दिखाई दे रहा है जनरेट बिल का, तीसरा ऑप्शन हमें डिलीट करने का है तो आप ये अच्छी तरह चेक कर लें। और चेक करने पहले रिपोर्ट चेक कर लेनी है। रिपोर्ट चेक करने के बाद यहाँ पे जनरेट बिल नाम का ऑप्शन शो हो रहा है, अगर बिल सही बना है तो यहाँ पे आप बिल जनरेट कर दें अन्यथा यहाँ पे डिलीट ऑप्शन है, इसके ऊपर टिक करके बिल डिलीट कर सकते हैं। तो ये मैंने अच्छी तरह अपनी जो अंक तालिका उससे मिलान कर लिया है तो यहाँ पे जनरेट बिल नाम का ऑप्शन है उसके ऊपर मैं टिक कर दूंगा। टिक करने के बाद ये वार्निंग आ रही हो श्योर यू वांट टू कंटिन्यू तो यहाँ पे यस कर देना है। और इसके बारे में दोस्तों हमें जाना है सैलरी एरियर बिल नाम का ऑप्शन है इसके ऊपर टिक करना है। टिक करने के बाद में दोस्तों हमें फाइनेंशियल ईयर मंथ ग्रुप यस सेलेक्ट करना है और जो हमने बिल बनाया वो यहाँ पे शो होगा तो बिल की रिपोर्ट एक बार फिर से चेक कर लेनी है। और ये यहाँ पे हमें डॉक्यूमेंट है वो अपलोड कर देने हैं, वही वापस सैलरी एरियर जो सीट हमने ऑफिस की तरफ से तैयार की है वो और फिक्सेशन के ऑर्डर ये डॉक्यूमेंट में यहाँ मैं सिलेक्ट करके लास्ट जो प्रोसेस है उसके ऊपर टिक कर दूंगा और फिर बाद में DDO से OTP प्राप्त करने के बाद में ये सक्सेसफुल हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से मैंने आपको आज इस वीडियो के माध्यम से सैलरी एरियर बिल बनाने के बारे में संपूर्ण जानकारी दी है। तो सर्वप्रथम दोस्तों हमें पे एंटाइटलमेंट हिस्ट्री है जो वो ऐड करनी है, इसके बाद में हमें सैलरी एरियर बिल बनाना है। और दोस्तों इससे पहले हमें एक्सेल जो सीट तैयार करनी है सैलरी एरियर की उससे बिल बनाते समय मिलान कर लेना है DDO के साइन और मोर। तो ये प्रक्रिया दोस्तों
आसान है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आपको कुछ समस्या आ रही हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।